नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर एक नई वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से जो है फोन, अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक इन्फिनिक्स नाम से जो है एक मोबाइल अभी आ चुका है और इसका काफी ज्यादा सर्चिंग चल रहा है कि किस तरह के मोबाइल्स हैं और इनके अंदर, इन फोन्स के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके अंदर नए नए प्राइजेस वगैरह जो हैं लॉन्च हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ इसी के बारे में बताऊंगा कि इन्फिनिक्स कंपनी है क्या। इन्फिनिक्स कंपनी जो है दोस्तों, ये हांगकांग बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जो अभी शायद नई लॉन्च हुई है और अभी इसी और आते ही इसने धूम मचा दी है अभी मार्केट के अंदर। जो इसके काफ़ी सस्ते फोन भी हैं और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ भी ये फोन जो है आपको मार्केट के अंदर उपलब्ध हो रहे हैं, ठीक है, और हो जाएंगे आने वाले टाइम में, और भी अच्छे अच्छे मोबाइल इसमें आने वाले हैं। तो मैं आपको इसमें एक जो अभी फोन आया है उसके बारे में आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ कि इन्फिनिक्स फोन जो है ये अभी मार्केट के अंदर काफ़ी चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस फोन के अंदर फीचर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स में जो है नए आए हैं। अभी आपने देखा होगा कि इन्फिनिक्स 08 अभी एक फोन आया है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ इसको इसका रिव्यू दे देता हूँ आपको, उस वीडियो को, उसका फोन का, ताकि आपको पता चल सके कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसके अंदर जो है प्राइस वगैरह है, ठीक है। अगर आपने सबसे सस्ता फोन भी खरीदना तो करीब करीब 8,000 की रेंज में आप इन्फिनिक्स का फोन ले सकते हैं दोस्तों, और महंगे से महंगे तो आप अपने अपने हिसाब से अपना जो भी उसके अंदर फीचर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको इसके अंदर ये बताऊंगा कि हैंडसेट निर्माता कंपनी जो है इन्फिनिक्स ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन इन्फिनिक्स 08 को लॉन्च कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ये स्मार्टफोन इन्फिनिक्स 08 का अपग्रेड वर्जन है। इन्फिनिक्स ने 07 स्मार्टफोन को छोड़ 08 को अपने नए मिड रेंज स्मार्टफोन के रूप में उतारा है। इन्फिनिक्स स्मार्टफोन की अहम खासियतों की बात करें तो इस मोबाइल का फोन में ऑक्टा कोर प्रोसेसर, फोन के बैक पैनल पर डायमंड आकार का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें 4 रियर कैमरे दिए गए हैं और हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। आइए आपको इस लेटेस्ट मोबाइल फोन के अन्य खासियत जो है वो और उसकी कीमत क्या है उसके बारे में आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं दोस्तों। तो आप प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसी चीज आपसे मिस ना हो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं और कोशिश मेरी यही होती है कि आप लोगों तक नई नई अपडेट्स लाता रहूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। सोशल साइट से मोबाइल्स को परचेज करते हैं, जैसे कि अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह से आप मोबाइल को परचेज करते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको करीब करीब 5% से लेकर 10% का डिस्काउंट भी आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से परचेज करना चाहें तो आपको वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, और अगर जैसे अगर आप अपने नज़दीकी किसी सेलर के पास जाकर इस इन फोन को खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी जाकर अपना फोन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से इस फोन को जो है मंगाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हर फोन के अंदर जो है हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर का डिस्प्ले किस तरह का होना चाहिए और उसका डिस्प्ले में जो है क्या क्या फीचर्स हैं। तो इन्फिनिक्स 08 स्मार्टफोन जो एंड्रॉयड 10 पर आधारित है दोस्तों, ठीक है, XOS 7 पर काम करता है ये, ठीक है। फोन में 6.85 इंच फुल HD+ डिस्प्ले है दोस्तों। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज और टच सेंसिटिविटी 180 हर्ट्ज की है। फोन होल पंच कटआउट के साथ आता है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्स और टच सैम्पलिंग रेट 180 हर्ट्स है। फोन होल पंच कटआउट के साथ आता है दोस्तों ये। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर वो है कि इसके अंदर कैमरा। तो आज के टाइम में मोबाइल्स के अंदर जो है कैमरा, साउंड और इसका जो भी डिस्प्ले है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फोन जो है, कि उसके फोन की क्या उस फोन का जो है आगे स्कोप होगा और कितना वो फोन चलने वाला है। तो दोस्तों, इन्फिनिक्स 08 में जो कैमरा है, कैमरे का सेटअप की बात करें तो फोन के पिछले हिस्से में 4 रियर कैमरे दिए गए हैं दोस्तों। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेस डेप्थ कैमरा सेंसर और अल्ट्रा नाइट वीडियो कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस इसमें दिया गया है दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो हमारी बैटरी, क्योंकि बैटरी के अंदर पावर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो बिना बैटरी के मोबाइल का होना आज के टाइम में जो है बड़ा ही अजीब लगता है। तो उसके बैटरी के बारे में आपको बता देता हूँ कि
इस फोन में जान फूकने के लिए करीब करीब 4500 mAh की बैटरी दी गई है दोस्तों। यह 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। सिक्योरिटी के लिए फोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है ताकि आप अपने फोन की सिक्योरिटी को आराम से संभाल सकें या अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकें। अब दोस्तों हम अगर इस फोन के कलर्स के बारे में बात करें, ये हमारे पास किस किस कलर में हमें जो है उपलब्ध हो पाएगा, तो फोन के 3 कलर वो वेरियंट उतारे गए हैं, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। इन्फिनिक्स जीरो के 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत करीब करीब 19,200 रुपये इसमें रखी गई है। इन्फिनिक्स के बारे में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इन्फिनिक्स का मोबाइल जो है अभी इस टाइम 4,499 रुपये में भी उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे कम प्राइस है जो अभी 4,499 में कम से कम प्राइस पे भी इन्फिनिक्स का मोबाइल अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको मार्केट में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसके ऊपर तो आप खुद ही जानते हैं कि जैसे आपको फीचर्स उसमें मिलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, उसी तरह से आपको उसके जो दाम भी चुकाने पड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन्फिनिक्स के बारे में दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इन्फिनिक्स हॉट 8 एक बढ़िया स्मार्टफोन है। इसका वजन करीब करीब 179 ग्राम्स का है और इसकी मोटाई 8.7 mm है। इन्फिनिक्स हॉट 8 में 6.52 इंचेस यानी 16.56 सेंटीमीटर और 720x1600 पिक्सल डिस्प्ले है जिसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। इसमें 4.0 का रैम और 64 GB इनबिल्ट स्टोरेज है जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए यही अपडेट थी दोस्तों कि आप लोगों तक मैं ये अपडेट्स पहुंचा सकूं। ठीक है, क्योंकि अभी इस टाइम इन्फिनिक्स फोन का जो है बहुत ज़्यादा अभी चलन जो है बढ़ रहा है और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी कम प्राइस पे भी फोन्स लेकर आ रही हैं। ठीक है, चाहे वो शाओमी हो, रेडमी हो, रियलमी हो, ठीक है, या फिर वीवो हो, तो अभी बहुत कम प्राइस करीब करीब 5,000 से स्टार्टिंग अगर हम देखें तो 5,000 में भी आपको एक बढ़िया स्मार्टफोन आज के टाइम में मिल जाएगा। ठीक है, कोरोना का टाइम है लेकिन अपना हर कंपनियां जो हैं अपने अपनी अपने कंपनी अपने आप को जो है संभाल रही हैं, अपने आप को स्टेबल कर रही हैं और ग्राहकों के लिए भी ये सोचा जा रहा है कि क्योंकि पता है कि इस टाइम बहुत से लोगों के पास जो है रोज़गार नहीं है, तो उस चीज़ को देखते हुए भी लोगों को जो है कम कीमत पर जो है अच्छे फीचर्स के साथ फ़ोन को जो है उपलब्ध कराया जाए लोगों को ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। इससे दोनों तरफ ही फायदा होगा, कस्टमर्स का भी फायदा होगा और कंपनीज को भी, ताकि वो कंपनीज को ये फायदा होना है कि वो अपनी अपना आपको स्टेबल कर पाएंगी और कस्टमर्स को ये फायदा मिल जाता है कि उन्हें कम प्राइस पे कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ यही वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली जो भी नई अपडेट्स होंगी तब तक के लिए नमस्कार।